गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, दैट इज दिल्ली का पोल्यूशन। पोल्यूशन का इम्पैक्ट हेल्थ और लाइफस्टाइल पे हर साल बढ़ता जा रहा है और इस वजह से एयर प्यूरिफायर आज हर घर के लिए एक जरूरत बन गया है। तो आज मैं आपको कोवे एयर मेगा प्रोफेशनल एयर प्यूरिफायर के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, जो प्यूरिफायर मेरा पर्सनल भी है और जिसको हम पिछले 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका डिजाइन, फीचर, परफॉर्मेंस, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस बनाने के लिए। अब आइए बात करते हैं कोवे एयर मेगा 150 प्रोफेशनल एयर प्यूरिफायर के बारे में एंड इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये प्यूरिफायर काफी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल डिजाइन है। सिर्फ 5.5 kg का है, जिसकी वजह से इसको एक रूम से दूसरे रूम ले जाना काफी आसान हो जाता है। इसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो काफी स्टाइलिश एंड मॉडर्न डिजाइन भी है, जो कि किसी भी रूम डेकोर के साथ बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट में दिए गए 2 बटन को इस तरीके से प्रेस करके ओपन कर लेना है। फिर आपको इसके प्री फिल्टर को इस तरीके से इंस्टॉल करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। उसके बाद आपको इसका कार्बन फिल्टर को इस तरीके से फिट कर देना है एंड लास्टली हेपा फिल्टर को आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर जो है वो आपकी तरफ हो, दैट्स इट। एंड इस तरीके से ये प्यूरिफायर बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इस प्यूरिफायर में आपको 3-stage फिल्टरेशन सिस्टम मिलता है। नंबर 1, इसमें आपको ग्रीन एंटीवायरस हेपा फिल्टर मिलता है। ये 30 mm का थिक हेपा फिल्टर है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हेपा फिल्टर में से माना जाता है, जो कि 8500 आवर्स तक चल सकता है। जी हाँ, द लॉन्गेस्ट हेपा फिल्टर लाइफ। उसके अलावा ये फिल्टर हवा से 99.9% वायरस, बैक्टीरिया, PM2.5 पार्टिकल, डस्ट, पोलन एंड हार्मफुल स्मोक को भी रिमूव करने में काफी इफेक्टिव है। ये हेपा फिल्टर इंडोर एयर को सेफ एंड एलर्जन फ्री बनाता है, जो कि फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। सेकेंड फिल्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कार्बन फिल्टर मिलता है। ये आपकी हवा से बैड ऑडर्स, हार्मफुल गैसेस और स्मोक को एलिमिनेट करने में मदद करता है एंड इस फिल्टर को आप आसानी से वैक्यूम के जरिए क्लीन भी कर सकते हैं। हेपा फिल्टर को क्लीन नहीं किया जा सकता है, इसका रिप्लेसमेंट आपको अमेज़न पे बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको बाद में खरीदना होगा तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के जस्ट नीचे ही दे दूंगी। नेक्स्ट फिल्टर है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये प्री फिल्टर आपके रूम के हवा से PM10 पार्टिकल्स को कैप्चर करता है एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है कि ये वॉशेबल है। इस तरीके से सिर्फ पानी से ही आप इस फिल्टर को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद इसको आपको ड्राई होने देना है, सुखाना है और उसके बाद आप इस तरीके से इसमें वापस से फिट इन भी कर सकते हैं। इस प्यूरिफायर में आपको स्मार्ट ऑटो मोड मिलता है, जो कि इंडोर एयर क्वालिटी को खुद ही मॉनिटर करता है एंड अकॉर्डिंगली फैन के स्पीड को एडजस्ट करता है। मतलब अगर पोल्यूशन ज्यादा रहता है तो आप देखेंगे इसका फैन जो है वो बढ़ जाता है, और अगर एयर क्वालिटी अच्छी रहती है तो फैन का स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाता है। उसके अलावा इसमें आपको रियल टाइम AQI डिस्प्ले भी मिलता है। अभी ऐसे बहुत सारे प्यूरिफायर आ गए हैं जिसमें आपको डिजिटल नंबर्स मिल जाते हैं एंड नंबर्स को देख करके आपको करंट AQI का पता चल जाता है, बट इसमें आपको नंबर्स का सिस्टम नहीं मिलता है, इसमें आपको लाइट्स का सिस्टम मिलता है। सो बेसिकली इसमें आपको 4 different लाइट्स मिलते हैं। नंबर 1, अगर इसमें ब्लू कलर का लाइट है, मतलब एयर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। नंबर 2, अगर इसमें आपको ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है, मतलब एयर की क्वालिटी मॉडरेट है। नंबर 3, अगर इसमें आपको येलो कलर का लाइट दिख रहा है, मतलब एयर की क्वालिटी काफी अनहेल्दी है। एंड नंबर 4, अगर इसमें आपको रेड कलर का लाइट दिख रहा है, मतलब एयर की क्वालिटी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसके अलावा इस प्यूरिफायर में आपको रिप्लेसमेंट इंडिकेटर भी मिलता है, मतलब जब इसके हेपा फिल्टर की लाइफ जो है वो ओवर
ओवर हो जाती है तब इसमें आपको रेड कलर का लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगेगा, मतलब इट्स एन इंडिकेटर टू इन्फॉर्म यू बॉस इट्स अ टाइम टू चेंज द हेपा फिल्टर। टेंशन मत लीजिए, ये फिल्टर बहुत ही आसानी से अमेज़न पे अवेलेबल है। मैं इसके हेपा फिल्टर का लिंक भी आपको वीडियो के जस्ट नीचे ही या फिर कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी अगर आपको फ्यूचर में खरीदना हो तो। इसके ऑपरेशन एंड नॉइस लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपको टू डिफरेंट लेवल मिलते हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। लेवल वन में आपको 22 डीबी का नॉइज मिलता है जो कि ऑलमोस्ट साइलेंट होता है एंड लेवल टू में आपको 49 डीबी का नॉइज लेवल मिलता है, मतलब इसमें हल्का सा नॉइज आता है नो डाउट, बट अगर आप इसको साइलेंट मोड में चलाते हैं तो नॉइज बिल्कुल भी नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं कि इन सारे लेवल्स में नॉइज है बट इतना नॉइजी नहीं है कि आप रातों को सो ना पाए या बेबी नाइट में डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ही मिनिमम है, आप आसानी से रातों को सो पाएंगे। इस प्यूरिफायर के एरिया कवरेज की अगर हम बात करें तो ये प्यूरिफायर बहुत ही आसानी से 33 स्क्वायर मीटर कवर कर सकता है जो कि बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है एंड आप इसको अपने हॉल में, रूम में या स्मॉल ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको 303 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर डिलीवरी रेट मिलती है जो कि काफी फास्ट एंड एफिशिएंट एयर प्यूरिफिकेशन है। इसके एनर्जी एफिशिएंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, मतलब ये कितना एनर्जी लेता है, कितना पावर लेता है, सो अगर ये प्यूरिफायर लेवल टू पे भी चलता है तो सिर्फ 38 वॉट का कंजप्शन लेता है जो कि बहुत ही मिनिमम है, मतलब अगर आप इसको पूरा दिन और पूरी नाइट भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इसमें आपको टोटल 5 ईयर की वारंटी मिलती है और अगर आप चाहें तो अनदर 2 ईयर भी एक्सटेंड कर सकते हैं कस्टमर सर्विस से बात करके, दैट्स इट। अब बात करते हैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस एयर प्यूरिफायर, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्यूरिफायर को हम 4 साल से लगातार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब दिल्ली NCR में पोल्यूशन बढ़ता है तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब साल में मिनिमम 3 से 4 महीने ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। इस प्यूरिफायर को हमने 2020 में लिया था एंड ये 2024 है एंड अब क्योंकि दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल हाई है तो हमने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है एंड हमें इसका इस्तेमाल करने के दौरान इसमें से कभी भी कोई भी फाउल स्मेल या गंदी स्मेल नहीं आई है। अगर आपके घर के किसी मेंबर को कोल्ड है या कफ है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफी इफेक्टिव है। जैसे आयांश रातों को बहुत खांसता था पर जब हम इसका प्यूरिफायर लगाना स्टार्ट किया तो उसकी खांसी जो है वो काफी हद तक कम हो गई। अगर आप यू नो किचन में भी इसको इंस्टॉल करते हैं या रखते हैं तो भी ये स्मोक को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बहुत ही जल्दी काम करता है, मतलब जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये ऑन होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है। तो नो डाउट अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए एक रिलायबल, एनर्जी एफिशिएंट एंड फीचर पैक्ड एयर प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं फिर तो आपको कोवे एयर मेगा प्रोफेशनल एयर प्यूरिफायर में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज वर्थ इट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस प्यूरिफायर के बारे में आपको सब कुछ बताने के लिए, फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट होगा इस प्यूरिफायर से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इमीडिएटली पूछ सकते हैं एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई बैक। इस प्यूरिफायर का परचेज लिंक और इसके फिल्टर्स का परचेज लिंक भी आपको वीडियो के जस्ट नीचे ही मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके अपने और अपने फैमिली के लिए भी खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।